दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें। एक वीडियो देखें, वीडियो को पूरा देखें, कोई भी भिन्न हो आपको दशमलव में बदलने में दिक्कत कभी नहीं आएगी, ठीक है? ये हमारा गारंटी है। शुरू से लेकर अंत तक जितना भी टाइप का भिन्न होता है उतना हम इस एक वीडियो में बता देंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है 5.2, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि दशमलव को भूल जाएंगे। यहाँ पर दशमलव को भूल जाए तो यहाँ पर लिखा है 52, तो यहाँ पर आगे लिखेंगे 52, ठीक है? और करेंगे बट्टा, ठीक है? 52 बट्टा। अब दशमलव के लिए नीचे होगा एक, ठीक है? दशमलव के लिए नीचे होगा एक, और दशमलव के इस तरफ जितना अंक होगा उतना जीरो बैठा देंगे, तो 52 बट्टा में हो गया 10। सबसे पहले 52 और दशमलव के लिए एक, और दशमलव के इधर, ना कि इधर, इधर जितना अंक होगा उतना जीरो बैठ जाएगा, तो 52 बट्टा में 10। अगर हम लोग इसको कटा दें तो ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 26 बट्टा में 5, ठीक है? आगे लिखा है 9.8, तो हम लोग बोलेंगे दशमलव को भूल जाएंगे, तो यह ये कितना लिखा है, 98 लिखा है, तो 98 लिखा है, ठीक है, लिख दिए। इसके बाद दशमलव के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक, और दशमलव के इधर एक अंक है तो यहाँ पे हम लोग एक जीरो दे देंगे, ठीक है? इसको भी 2 से कटा देंगे तो ये 49 हो जाएगा, इसको भी 2 से कटा देंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि 49/5, ठीक है? आगे देखते हैं, लिखा है 12.5, तो हम लोग जानते हैं कि दशमलव को हम लोग हटा देंगे, तो 125 लिखा है, 125 बट्टा में, दशमलव के लिए हट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है? और दशमलव के इधर कितना अंक है, एक अंक है, फिर भी एक अंक है, तो यहाँ पे 0। इसको देखिए, ये ऊपर 5 से कटेगा, नीचे भी 5 से कटेगा, तो ऊपर 5 से कटेगा तो हो जाएगा 25, 25 × 5 = 125 होता है, और नीचे 5 से कटेगा तो हो जाएगा 2, यानी कि 25/2, ठीक है? अब 25/2 को, 25 को 2 से भाग कीजिएगा तो ये इतना ही आएगा, 12.5 ही आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। आगे देखिए, लिखा है 2.25, यहाँ पे फंडा चेंज हो गया, देखिए यहाँ पे 2.25 लिखा है। और हाँ, एक और बात हम लोग बताना भूल गए, यहाँ पे 5.2 लिखा है तो यहाँ पे 5.2 पढ़ेंगे, ठीक है? और यहाँ पे देखिए 12.5 पढ़ेंगे, और यहाँ पे 2.25 नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको पढ़ते हैं 2.25, ठीक है? अगर मान लीजिए कि कहीं पे रहता 6.12617, तो हम लोग 6 को 6 पढ़ेंगे, अगर 6 के इधर आ जाएगा 5, ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे 56 पॉइंट, यहाँ पे इसको एक एक अंक पढ़ेंगे, ना कि 12617, नहीं, 56.12617। ये एक मेन रूल होता है दशमलव को पढ़ने का, ठीक है? इधर अगर आ जाएगा तो इधर एक एक अंक नहीं पढ़ेंगे, इधर पूरा पढ़ेंगे, अगर एक आ जाएगा तो 156.12617, तो यहाँ पे देखिए 2.25 पढ़ेंगे, ना कि 2.25, ठीक है? तो यहाँ पे दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 225, दशमलव के लिए यहाँ पे होगा एक, ठीक है? और यहाँ पे दशमलव के बाद देखिए 2 अंक है तो यहाँ पे हो जाएगा 20। इसको कटा देते हैं हम लोग, 25 से ये कट जाएगा 4 बार में, ठीक है? और ये 25 से कट जाएगा 9 बार में, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9/4, ठीक है? अब देखिए 0.5 लिखा है तो हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे दशमलव को हटा देते हैं तो 0.4 का मतलब होता है आपका 4, ठीक है? हम लोग जानते हैं, तो 0 और 5 का मतलब हो गया आपका 5, और दशमलव के लिए आपका होगा 1, और दशमलव के इधर एक अंक है तो आपका हो जाएगा 5/10, ठीक है? 5/10 को कर देंगे हम लोग तो हो जाएगा 1/2, ठीक है? आगे देखिए 0.05, देखिए दशमलव यहाँ पे 0.5 लिखा है, अगर हम लोग इसके आगे एक और जीरो लगा दें तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है? अगर एक और जीरो लगा दें तो कोई वैल्यू नहीं रहता है। जैसे आपका कहीं पे लिखा है 2.5 और इसके बाद 0000, कितना भी जीरो लगा दें इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है? इसका वैल्यू नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए 0.05, इस जीरो को नहीं हटा पाएंगे हम लोग, क्योंकि इस जीरो के बाद तुरंत अंक आया है, ठीक है? तो इस जीरो को नहीं हटा पाएंगे। यहाँ पे होता अगर 2.5000 और यहाँ पे एक अंक आ जाता तो इस जीरो को हम लोग नहीं हटा पाते, इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ते 2.50001, ठीक है? लेकिन दशमलव के बाद
दशमलव के बाद अंक के बाद अगर जीरो जीरो आता है तो उसको हम लोग हटा देंगे। यहाँ पे इस जीरो को हम लोग नहीं हटा पाएंगे, तो हम लोग लेकिन इस जीरो को नहीं हटा पाएंगे तो हम लोग इसको भी लिखेंगे पाँच ही, ठीक है, हम लोग इसको भी लिखेंगे पाँच। अब यहाँ पे देखिए पाँच लिखेंगे, पाँच के यहाँ पे दशमलव के लिए वन, और यहाँ पे दो अंक है, इधर दो अंक आ गया तो दो जीरो हम लोग बढ़ा देंगे तो यहाँ से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बीस। तो यहाँ पे एक बट्टा में बीस, और यहाँ ध्यान से यहाँ पे एक बट्टा में बीस है तो एक बट्टा में बीस पढ़ेंगे, ना कि इसको जीरो को हटा देंगे। हम बोले कि दशमलव के बाद जो जीरो आएगा उसको हटा देंगे, ठीक है। ये वाला आशा करते हैं कि इतना तक अच्छा से समझ में आया होगा, और अच्छा से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली हर एक वीडियो को हमारे देखने के लिए। ये वाला अगले पार्ट में हम लोग बताएंगे, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पे रेकरिंग, इसको बोला जाता है रेकरिंग, ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ये क्या होता है, रेकरिंग क्या होता है, ये क्या होता है।